good morning welcome to nice health and i'm dr Shaisa and today i'm going to talk about writers cramp what is writers cramp chaliye jante hai. writers cramp is a task specific movement disorder that manifests itself as abnormal postures and unwanted muscle spasm that interfere with motor performance while writing yani writers cramp yani likhne mein cramp aana ya hona ये एक टास्क स्पेसिफिक मोमेंट डिसऑर्डर है यानी कि जब आप कोई टास्क करने जाते हैं उसी वक्त आपको ये प्रॉब्लम होगी नॉर्मली आपके मोमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन जब आप एक पेन पकड़ेंगे साइन करने के लिए यू विल फाइंड दिस या फिर एक ब्रश लेंगे पेंट करने के लिए यू विल फाइंड दिस यू विल फील दिस जिसमें एबनॉर्मल पोस्चर होगा और आपके मसल्स टाइट महसूस होंगे तो रिस्क फैक्टर्स क्या है इसके रिस्ट इंजरी होने पर या आप एज फैक्टर भी है आफ्टर फोर्टी यूजली यू विल फाइंड दिस प्रेगनेंट लेडीज़ भी और रिमेटेड एथराइट में भी राइटर्स क्रैम्प होने के चांसेस हैं सिम्टम्स ऑफ राइटर्स क्रैम्प चलिए देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या है फिंगर ग्रिपिंग द पेन पेन की ग्रिप में बहुत प्रॉब्लम होगा रिस्ट के मसल्स फोराम के मसल्स वीक हो जाएंगे आपको एबनॉर्मल uh, सेंसेशन भी फील होगा हैंड में और नमनेस भी फील होगी यानी सुंदपना भी दिखेगा देन एक्सरसाइज ऑफ द राइटर्स क्रैम्प मैं आगे डिटेल में डिस्क्राइब करती हूँ कमिंग टू द डायग्नोसिस आप इसे कैसे पहचानेंगे रेंज ऑफ मोशन से देखेंगे आप जब आप मूवमेंट टेस्ट करेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी होगी और आपको ग्रिप पेन पकड़ने में मुश्किल होगी आपको बहुत ही वीकनेस महसूस होगी अपने हैंड के मसल्स में अपने फोरआर्म के मसल्स में यहाँ तक कि आपको शोल्डर जॉइंट में भी पेन होगा देखिए नीचे करेक्ट पोस्चर पेन पकड़ने का कैसा है और राइटर्स क्रैम्प में कितनी डिफिकल्टी से इंसान पेन पकड़ता है ये तो स्टूडेंट लाइफ में भी देखा जा रहा है ये प्रॉब्लम लेकिन यूजुअली ये अब आफ्टर फोर्टी ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता तो लेट अस नो अबाउट द एक्सरसाइजेज ऑफ राइटर्स क्रैम्प ऐसे क्या एक्सरसाइज हम करें कि हम इसको किसी हद तक आराम दे सकते हैं देखिए राइटर्स क्रैम्प में आप टोटली totally ठीक होना पॉसिबल नहीं है टोटली totally आपका राइटिंग प्रॉब्लम सॉल्व होगा ऐसा नहीं होगा लेकिन यू विल फाइंड सम रिलीफ जो आपके मसल्स इतने स्ट्रेस्ड हैं और क्रैम्प हो रहा है वो थोड़ा सा आप रोक सकते हैं अगर आप ये एक्सरसाइजेस ये स्ट्रेच करेंगे तो सो यहाँ देखिए पिक्चर में नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज आप हैंड प्लेसमेंट ऐसा रखें और अपने दूसरे हैंड से थोड़ा सा स्ट्रेच करें नीचे भी आपको स्ट्रेच अच्छी सी दिखाई दे रही है कि इस तरीके से अपने हैंड और फिंगर के मसल्स को स्ट्रेच करें आपके पूरे फोराम में आपको रिलीफ दिखेगा सारे मसल्स जो आपके हार्ड हो गए हैं आपको स्ट्रेच स्ट्रेच करने से आराम दिखेगा दूसरी भी एक्सरसाइज है जिसमें आप अपने फिंगर्स को सिर्फ स्प्रेड करें औरब करें फिंगर्स को पूरा स्प्रेड करें और खरीब करें ये सारे एक्सरसाइजेज आप करते रहें आपके जो स्ट्रेस्ड मसल्स हैं उसको थोड़ा सा आराम होगा और आपको थोड़ी सी रिलीफ महसूस होगी यानी जब भी आप राइटिंग का वर्क कर रहे हैं या ड्राइंग कर रहे हैं या और व्हेन यू यूज़ द की पैड ऑफ़ योर पीसी और व्हेन यू यूज़ द की ऑफ़ योर मोबाइल यू कैन डू द स्ट्रेचेस एंड देन रिलीव द स्ट्रेस ऑफ योर मसल्स एंड देन गो बैक विथ योर एक्टिविटी यहाँ देखिए कुछ फोर एक्सरसाइजेज आपको क्लियर दिख रहे हैं इसे भी आपको बहुत आराम होगा आपके फिंगर्स को द फर्स्ट वन इज़ अ स्ट्रेट हैंड द सेकेंड वन इज आपके फिंगर्स को थोड़े से मोड़ना है एज अ हुक फिस्ट एंड देन फिर से उसको सीधा कर दें हुक फिस्ट बनाएं फिर सीधा कर दें हुक फिस्ट बनाएँ फिर सीधा कर दें थर्ड वन इज फुल फिस्ट बनाएँ फिर सीधा कर दें कुछ सेकेंड्स के लिए फुल फिस्ट बनाए होल्ड इट फॉर समटाइम्स एंड देन release it then the last one is straight fist straight fist banai hold it for some time and then release it okay thank you